हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अनरेडी विद मी, मेरा मेकअप रिमूवल और मेरा स्किन केयर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा होने वाला है मेरा आज का स्किन केयर रूटीन, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। पॉइंट नंबर वन, मेरे नेल्स को इग्नोर करिएगा क्योंकि ये काफी अजीब लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने एक नेल आर्ट हैक ट्राई किया जो कि सच है फेल ही हुआ होगा, तभी इतना बकवास नेल पॉलिश अप्लाई किया है मैंने, तो इसे इग्नोर करिएगा। सेकेंड पॉइंट, आज के वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट मेरे लिए नया नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हैं तो पेस्ट टेस्ट जरूर कर लें, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सुटेबल है या नहीं। पॉइंट नंबर थ्री, सभी प्रोडक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर करिएगा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहला स्टेप है मेकअप को रिमूव करने का, और उसके लिए मैं आजकल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि इसे मुझे फिनिश करना है, इसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है। और ये है वाओ स्किन साइंस का कोकोनट क्लेरिफाइंग माइसला वाटर। क्योंकि आज मैंने कोई भी वाटरप्रूफ मेकअप अप्लाई नहीं किया है सिर्फ मस्कारा को छोड़ के, तो मस्कारा के लिए मैं हमेशा की तरह कोकोनट ऑयल ही यूज करने वाली हूँ। और वाइप्स के लिए मैं यूज करूंगी बेला के ये कॉटन वाइप्स। तो मेकअप मैंने रिमूव कर दिया है और फेस वॉश के लिए मैं यूज करने वाली हूँ द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइज फोमिंग क्लींजर, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। क्योंकि मैंने ऑयल यूज किया था आईज के लिए, आई मेकअप को रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए मुझे हैवी क्लींजर की जरूरत है। तो फेस वॉश के बाद बारी आती है वैसे तो स्क्रब या फेस पैक की, लेकिन मैं ना तो स्क्रब यूज करने वाली हूँ और ना ही फेस पैक, तो मैं यूज करूंगी टोनर जो कि है प्योर रोज वाटर। और मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप हमेशा वही प्रोडक्ट यूज करिए या उतने ही प्रोडक्ट यूज करिए जितने प्रोडक्ट की आपको जरूरत हो। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी एलोवेरा जेल, और ये है बॉय स्किन साइंस का प्योर एलोवेरा जेल जो कि है डेली फेस केयर। तो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी सनस्क्रीन। वैसे तो आप चाहें तो एलोवेरा जेल के बाद कोई अदर मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मेरी स्किन के लिए एलोवेरा जेल इनफ है, तो मैं सिर्फ सनस्क्रीन यूज करूंगी इसके बाद।
यहाँ पे जो हमारा स्किन केयर है वो कंप्लीट हो चुका है। देखा, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रही हूं कि आपको जितने प्रोडक्ट की जरूरत हो या आपकी स्किन को रिक्वायरमेंट हो, आप उतने ही प्रोडक्ट यूज करिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत मेरी स्किन को भी है। काफी अच्छे से मेरी स्किन अच्छी कंडीशन में है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसे खराब करने की कोई भी जरूरत है। हाँ, अगर आपकी स्किन पे कोई स्किन प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, पिंपल है, एक्ने है, या फाइन लाइन्स है, रिंकल्स हैं, तो आप उनके लिए एक्स्ट्रा केयर करिए। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और अच्छी कंडीशन में है, तो उसके लिए आप, मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है। तो ये रहा मेरा सिंपल सा क्विक सा स्किन केयर रूटीन, जिसे आप मेरा एवरीडे का स्किन केयर रूटीन भी कह सकते हैं, स्पेशली पोस्ट वीडियोस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।